वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टूडे आई हैव ब्रॉट एंड अदर एस सी टू यू इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन लेटस सी द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन डिसिप्लिन इज एन इंपॉर्टेंट वर्च्यू इन वंस लाइफ यहाँ वर्चुअल का मतलब गुण होता है अनुशासक हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है महत्वपूर्ण गुण है डिसिप्लिन मीन्स कंप्लीट ओबीडियंस टू सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसिप्लिन का मतलब होता है पूरी तरह से मानना ओबीडियंट होना किसी सर्टेन रूल्स और रेगुलेशन के प्रति लाइफ विदाउट डिसिप्लिन जस्ट लाइक ए हाउस विदाउट ए रूफ एक डिसिप्लिन के बिना जो जीवन है वो ठीक उसी घर के समान है जिसके ऊपर कोई छत नहीं है इट इज़ एब्सोलिटली एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल लाइफ और वाकई स्टूडेंट्स डिसिप्लिन का जो महत्व है बहुत अधिक है और हमारे जीवन को सक्सेसफुल लाइफ में चेंज कर सकती है डिसिप्लिन इज द स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल इंट ऑफ ए सक्सेसफुल पर्सन किसी भी सफल व्यक्ति का जो सबसे जो छोटी इकाई है यानी कि उसका जो बेस है वो डिसिप्लिन ही होता है इसलिए उसको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट बोलते हैं सक्सेसफुल पर्सन का इट इज इसेंशल फॉर आस्ट इन होम फॉर सोल्जर्स इन बैटल फील्ड और स्टूडेंट्स इन स्कूल फॉर प्लेयर्स इन प्ले यह सभी के लिए आवश्यक है हम सब के लिए घरों में सैनिकों के लिए बैटल में और स्टूडेंट्स के लिए स्कूल में और प्लेयर्स के लिए प्ले में अ टीम ऑफ एक्सपीरियंस प्लेयर्स ऑफ लूज द मैच बिकॉज ऑफ़ इनडिसिप्लिन द टीम अगर टीम में एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं अनुभव से भरे प्लेयर्स भी हैं अगर डिसिप्लिन को ठीक से फॉलो नहीं करें मैच में तो उनकी टीम हार सकती है अ हॉरिबल बैटल कैन बी बॉर्न बाय अ डिसिप्लिन आर्मी और दूसरी वहीं दूसरी तरफ एक भयानक युद्ध को भी जिता सकता है अगर एक छोटी सी भी आर्मी हो लेकिन अनुशासित हो डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टूडेंट्स लाइफ और स्टूडेंट के लाइफ में डिसिप्लिन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है ही मस्ट ओबे हिज टीचर्स मस्ट अवाइड बाय द रूल्स ऑफ द स्कूल एक स्टूडेंट को अपने टीचर्स का हमेशा ओबे करना चाहिए और सभी नियम कानून को मानने चाहिए ही शुड बी सिंसियर डेडिकेटेड फर्म एंड फोकस इज गोल्स वह सिंसियर स्टूडेंट होना चाहिए डेडिकेटेड समर्पित होना चाहिए फर्म सतर्क और फोकस्ड हिज गोल्स और अपने गोल्स को फोकस उसको करना चाहिए इफ़ ही वायलेट्स देन ही सफर्स अ ग्रेट डील इन हिज फ्यूचर अगर इन चीज़ों को वो तोड़ता है नियम कानून को तोड़ता है तो वाकई जीवन में वो सफर करेगा और उसकी इससे इससे फ्यूचर यानी कि उसके भविष्य प्रभावित होगा एज स्टूडेंट इज द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री सो ही नीड्स टू बी वेरी पंक्चुअल टू हिज रूटीन हार्ड वर्किंग हेल्दी एंड फिट जो कि स्टूडेंट देश के भविष्य होते हैं इसलिए स्टूडेंट्स को बहुत ही सिंसियर होने की जरूरत है पंक्चुअल होने की ज़रूरत है अपने रूटीन को पालन करने की ज़रूरत है साथ साथ हार्ड वर्किंग यानी कि कठिन परिश्रमी होने की जरूरत है, 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 तो है हेल्दी और फिट होने की भी आवश्यक है डिसिप्लिन डिमांड सेल्फ कंट्रोल एंड डेडिकेशन और स्टूडेंट्स अनुशासन जो है वो क्या डिमांड करता है तो सेल्फ कंट्रोल पेशेंस डेडिकेशन समर्पण को डिमांड करता है इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए गुड सोसाइटी एंड नेशन एज ए वेल एक डिसिप्लिन व्यक्ति जो है वो एक अच्छे समाज का निर्माण करता है और अच्छे समाज का जब निर्माण होता है तो अच्छे देश का भी निर्माण होता है इन दिस वे स्टूडेंट्स आई होप यू लाइक द ए एंड द थिंग्स रिटेड इन दिस ए नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट ए थैंक यू सो मच